जियो टावर तोड़फोड़ मामले पर रिलायंस कंपनी ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी ना तो कॉपरेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और ना ही करवाती है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रिलायंस जियो के मोबाइल टावर टारगेट किए जा रहे हैं। इसमें रिलायंस और अदानी के प्रोडक्ट्स का भी विरोध किया जा रहा है। नतीजतन पंजाब में रिलायंस जियो के 1500 से ज्यादा टावर्स तोड़े जा चुके हैं। इस पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी सब्सिडरी जियो इन्फोकॉम के जरिए एक याचिका दायर की है, जिसमें कंपनी ने उपद्रवियों द्वारा तोड़फोड़ की गैर कानूनी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उपद्रवियों द्वारा की गई तोड़फोड़ और हिंसक कार्यवाही से कंपनी के हजारों कर्मचारियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है और साथ ही दोनों राज्यों में सहायक कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स और सेवा आउटलेट के रोजमर्रा के कामों में दिक्कतें आई हैं। इस पर अब कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और रिलायंस से जुड़ी कोई भी अन्य कंपनी ना तो कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और ना ही करवाती है और ना ही भविष्य में इस बिजनेस में उतरने की कंपनी की कोई योजना है। कॉरपोरेट या कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए रिलायंस या रिलायंस की सहायक किसी भी कंपनी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती की कोई भी जमीन हरियाणा, पंजाब और देश के किसी दूसरे हिस्से में नहीं खरीदी है, ना ही भविष्य में भी ऐसा करने की योजना है। आपको बता दें कि भारत में संगठित रिटेल कारोबार में रिलायंस रिटेल एक अग्रणी कंपनी है। ये देश में दूसरी कंपनियों, निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न ब्रांड्स के खाद्य, अनाज, फल, सब्जियां और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, परिधान, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सहित सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बेचती है। ये किसानों से सीधी खरीद नहीं करती। किसानों से अनुचित लाभ लेने के लिए कंपनी ने कभी भी लंबी अवधि खरीद कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए हैं और ना ही ऐसा कभी होगा। 130 करोड़ भारतीयों का पेट भरने वाले किसान अन्नदाता है और उनका हम सम्मान करते हैं। रिलायंस और उसके सहयोगी किसान को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कंपनी और उसके सहयोगी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ पैदा की गई उनकी उपज का किसानों को उचित और लाभदायक मूल्य मिले, इसका पूरा समर्थन करते हैं। रिलायंस स्थायी आधार पर किसानों की आय में वृद्धि चाहता है और इस लक्ष्य के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। वहीं इस मामले में रिलायंस ने प्रतिद्वंदी कंपनियों पर भी आरोप लगाए हैं। रिलायंस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों राज्यों में कंपनी के मोबाइल टॉवर में हुई तोड़फोड़ के पीछे प्रतिद्वंदी कंपनियों का भी हाथ है। कंपनी दूर संचार विभाग में इसकी शिकायत भी कर चुकी है। हालांकि कंपनी ने किसी भी प्रतिद्वंदी कंपनी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस शिकायत के बाद एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने इस आरोप को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। इन कंपनियों ने भी इस विषय में दूर संचार विभाग को चिट्ठी भेजी है। रिलायंस ने दोनों राज्यों में कंपनी की उपस्थिति बताते हुए कहा कि देश में उसके कुल 40 करोड़ ग्राहक हैं। इसमें 31 अक्टूबर 2020 तक जियो के पंजाब में कुल 1,40,00,000 और हरियाणा में 94,00,000 है। केवल पंजाब में लगभग 9,000 मोबाइल नेटवर्क रिलायंस जियो के हैं। हालांकि रिलायंस की अब तक की उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई से हाल के दिनों में तोड़फोड़ की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका के माध्यम से उपद्रवियों और निहित स्वार्थी तत्वों के खिलाफ दंडात्मक और निवारक कार्रवाई की मांग की है, ताकि रिलायंस पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर से अपने सभी व्यवसायों को सुचारू रूप से चला सके। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।